जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी नाश्ता, सूजी का सब्जियों से भरपूर नाश्ता। इसे हम रावा उत्तपम भी कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में या फिर क्या है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसे बना के दीजिए। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कटोरी बारीक सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं। और इस तरह से एक कटोरी सूजी लिए हैं, उसका हम आधा दही लिए हैं, यानी आधी कटोरी दही लेंगे। तो छोटी कटोरी से हम एक कटोरी दही ले लिए हैं, साथ में हम एक कटोरी पानी डाल लिए हैं। जिस कटोरी से हम दही लिए थे उसी कटोरी से हम पानी ले लिए हैं। अब हम इसे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे इसका बैटर जो है हमें एकदम से पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हमें एकदम से पतला और एकदम से गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो दही पानी और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लगातार एक मिनट तक चलाते हुए मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और अच्छे तरीके से हमारा बैटर जो है बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा हम दही लेंगे और फिर हम एक कटोरी इसमें पानी डालेंगे और इस तरह से हम बैटर को तैयार कर लेंगे। और इसे हम ढककर 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि हमारा सूजी जो है अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए और हमारा उत्तपम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। तो इस तरह से ढक्कन हटा के देख ले रहे हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा सूजी जो है फूलकर तैयार हो गया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, मैं ग्रेट कर ली थी इसे डाल ले रही हूँ, और 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ले रही हूँ। तो तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रखिए। और आधी चम्मच हम इसमें डाल दे रहे हैं साबुत जीरा, और फिर इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ में। जीरा और हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है उत्तपम का। तो इस तरह से हम अदरक, जीरा और हरी मिर्च डाल के बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो हम ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। हम सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच इसमें सोडा। सोडा हम इसलिए डालते हैं क्योंकि एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बगैर सोडा का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो इससे उत्तपम जो है एकदम सॉफ्ट सा बनकर तैयार होगा। तो 1/4 चम्मच हम डाले हैं इसमें सोडा, और उसमें हम आधी कटोरी और पानी डाले हैं क्योंकि हमारा बैटर जो है थोड़ा ठीक था, तो इसलिए हम आधी कटोरी और पानी डाले हैं। और इस तरह से हम एक तरफ से घुमाते हुए अच्छे तरीके से फेंट लेंगे सोडा डालने के बाद। और आप देख सकते हैं एकदम फूलकर हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। तो इसका थिकनेस हमें एकदम से पतला भी नहीं रखना रहता, एकदम गाढ़ा भी नहीं रखना रहता है। आप देख सकते हैं इस तरह का कंसिस्टेंसी रखना रहता है। एकदम से हमारा घोल जो है बनकर परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अब साथ में हम लिए हैं बारीक कटी हुई सब्जी। तो सब्जी में हम लिए हैं 2 बड़े साइज के प्याज बारीक रफली चॉप कर ली हूँ, साथ में हम 2 गाजर को ग्रेट कर ली हूँ, 1 शिमला मिर्च को बारीक रफली चॉप कर ली हूँ, और मैं 2 टमाटर को बारीक चॉप कर ली हूँ। तो सब्जी आप अपने अनुसार और भी कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो सब्जी में जो पसंद है उसे ऐड कीजिए, जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम 1 कलछी बैटर को उठाएंगे और एकदम हल्के हाथ से हम बैटर को फ्राई पैन में डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे हम फैला लेंगे। बहुत ही अच्छे से फैल जाता है, एकदम अच्छे तरीके से हमारा जो उत्तपम है बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम अच्छे से फैला लेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा रखें ना ही ज़्यादा पतला। और इस तरह से हम ऊपर से सब्जियां डाल देंगे कटी हुई। तो इस तरह से हम प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च और टमाटर, गाजर, सारी सब्जियों को हम डाल देंगे ऊपर से और इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सब्जी आप अपने मनपसंद ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी सब्जियों को डाल लेंगे और सब्जी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से हम हाथ से इसे सेट कर लेंगे, ताकि जब हम इसे पलटे तो ये सब्जी जो है बिखरे नहीं और अच्छे से सेट हो जाए उत्तपम में। तो इस तरह से हम सारे सब्जियों को उत्तपम में सेट कर लिए हैं और धीमी आंच पे इसे हम 5 मिनट तक छोड़ दिए थे। और जब ये नीचे से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे पलट लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी पलट के इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है उत्तपम बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से हमारा उत्तपम बनकर तैयार हो रहा है, एकदम सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार होता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह से हम एक एक करके सारे बना लेंगे। तो एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से उत्तपम को हम बना रहे हैं।
तो हम एक कलछी उठाते हैं और फ्राई पैन पे डाल लेते हैं और आज का फ्लेम हम एकदम से स्लो रखते हैं, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाते हैं, नहीं तो ये पक तो जाएगा लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होगा। तो इस तरह से हम मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाते हैं और एकदम क्रिस्पी होने तक नीचे से हम पकाते हैं। जब नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम सारे उत्तपम को बना लेते हैं। आप देख सकते हैं रावा उत्तपम हमारा बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। तो इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में कभी भी इसे बना के खाइए। बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, बहुत ही हेल्दी है। तो इसे आप अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं इसे सर्विंग प्लेट में लगा ले रही हूँ। तो इसे हम टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।